इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या से सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से मिले। महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, मणि रामदास जी की छावनी में की मुलाकात। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, कहा बिना भेदभाव के योजनाओं का सभी को मिल रहा है लाभ। अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है। सीएम योगी ने कहा पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे, अयोध्या अब दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी है। अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे, हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने की रैली। अयोध्या में तेजी से हो रहा है विकास, दुनिया अब अयोध्या की तरफ देख रही है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये बातें कही, कहा निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, भरोसे के लिए जनता का शुक्रिया भी सीएम योगी ने अदा किया। बड़ी खबर अयोध्या से बता रहे हैं आपको, अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से कतराते थे लेकिन अब अयोध्या सबसे वैभवशाली नगरी बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मुझे याद है आज से 3 वर्ष पहले सूरज कुंड में जब मैं गया था, 4 वर्ष पहले जब गया था, बड़ा जर्जर था, अव्यवस्था थी, पानी सड़ रहा था, कोई पुरुषाहार नहीं था। और कल रात्रि को भरतकूप को जब मैंने सूरज कुंड को देखा तो वास्तव में सूरज कुंड ने एहसास करा दिया कि यही अयोध्या रहेगी, इसी प्रकार से अयोध्या बनेगी। आप में से कितने लोग सूरज कुंड गए हैं? अच्छा लगा है ना, नया बना है, एक बार जाइए। और मैं यहाँ के सांसद जी से, विधायक जी से, सभी माननीय विधायकों से, महापौर जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इन सबको ले जाकर के वहां पर 8 बजे ले जाकर के लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी दिखाने का कार्यक्रम करेंगे, तो आप देखेंगे कितना क्या बदल रही है। इधर पिछले 3 महीने के अंदर गुप्ता घाट में कितने लोग गए हैं? आप लोग जो जितने पुरुष हैं तो गए, लेकिन इन माता और बहनों को क्यों नहीं लेके गए? इनको भी ले जाकर के दिखाओ वहां पर प्रभु श्री राम से जुड़े हुए एक अन्य क्षेत्र को, जो आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था, आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर